बैंक निफ्टी मेरा बुलिश व्यू बन गया था इस कैंडल को देख के, लेकिन इसने पूरा मेरा व्यू तोड़ दिया। उतना ही जल्दी आप स्टॉक मार्केट में बर्बाद होते। और रही बात अगर आप ऐसे ग्रुप्स पर जुड़ के आप ये सोचते हो कि आप पैसा बना लोगे, बिल्कुल नहीं। तो उसके बाद अपन एक लर्निंग सीरीज चला देंगे इस चैनल पर भी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल भाई सभी के, और आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो आज है गाइस फ्राइडे, और फ्राइडे के दिन पे अपन जो ट्रेड करेंगे वो करेंगे किसको, पता नहीं किसको, क्योंकि आज तो सेंसेक्स उसकी एक्सपायरी है। ये फालतू है, इंडेक्स को हम ट्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि इसके अंदर ट्रेड करने लायक कुछ है नहीं। इसके अंदर से ऑपरेटर का गेम चलता है, जहाँ सेफ है हम उधर ही ट्रेड करते हैं। तो आज देखेंगे या तो फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी में से कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा। तो लेट्स सी, अभी मैं जिम जा रहा हूँ, मैं वैसे ही 10 मिनट लेट हुआ जिम के लिए, और प्रशांत भाई कह रहे होंगे भाई आया नहीं है, मैंने क्या पता मैं पहुँचने वाला हूँ। खुश हो जाते हैं जिस दिन मैंने यहाँ आने की प्लानिंग होती है, उस दिन खुश होकर सोए रहते हूँ समझ। तो अभी मैं निकलता हूँ जिम को और करते हैं आज वर्कआउट। तो फाइनली गाइस मैं जिम में अभी पहुँच चुका हूँ, और ये अपने प्रशांत भाई पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, अंदर सोए पड़े हैं। साइकिलिंग 10 मिनट ये हो चुकी है, अब उसके बाद बताओ वर्कआउट आज का फटाफट। फुल बॉडी खींच खींच के, वही टांगे उठाने वाला लास्ट में मुझे फुल बॉडी स्ट्रेचिंग की थी, तो अपने को कमेंट आया था कि भाई ये क्या कर रहे हो, क्या होता है आज ये बताएंगे वो क्या होता है फुल बॉडी स्ट्रेचिंग, क्यों जरूरी है बताओ। बॉडी को रिलैक्स करने के लिए जितना वर्क लोड डाल रहे हैं, अगर बॉडी को लास्ट में स्ट्रेस नहीं करेंगे, रिलैक्स नहीं करेंगे, तो बॉडी स्टिफ हो जाएगी, फिर वर्कआउट करेंगे तो इंजरी आ जाएगी, इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रॉपर वार्म अप, प्रॉपर स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में एक दिन पूरा सेशन हम स्ट्रेचिंग को देते हैं, ताकि बॉडी पूरी अच्छे से रिलैक्स हो जाए। कल वैसे भी मैं डेली जा रहा है, और मुझे भी टूर्नामेंट में एक दीजिए, तो आज हमारा लास्ट डे है। दोस्तों वर्कआउट वगैरह ख़त्म करके आ चुका हूँ अपने सिस्टम पे, और अपना सिस्टम मैंने यहाँ पर ऑन वगैरह कर लिया है। अभी मैं रिकॉर्डिंग सेटअप लगाता हूँ, फिर करता हूँ सिस्टम पे ट्रेड। तो दोस्तों अपना मार्केट में ट्रेड मैंने पंचअप किया था कॉल साइड का, जहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। मैं आपको स्टॉप लॉस हिट होने के बाद की कहानी दिखाता हूँ क्या हुई है। देखो अगर आप स्टॉप लॉस नहीं दोगे, जैसे मेरे यहाँ पर स्टॉप लॉस मैंने इसको चुपचाप इस जगह पर दे दिया, बैंक निफ्टी मेरा बुलिश व्यू बन गया था इस कैंडल को देख के, लेकिन इसने पूरा मेरा व्यू तोड़ दिया, और वहीं निफ्टी में भी अपना व्यू बुलिश बनना था इस कैंडल को, जो फर्स्ट कैंडल निफ्टी की आई थी इसको देखते हुए, लेकिन इसने अपना व्यू तोड़ दिया। इसमें मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, क्योंकि प्रीमियम में अंदर स्पाइक नहीं आ रहा था, वहीं अपन निफ्टी बैंक में यहाँ पर जो निफ्टी बैंक पहले गिरने लग गया था, तो मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस दे दिया। तो मैंने जिसमें लॉस बुक किया अराउंड 30,000 रुपये का ही लॉस अभी बुक किया है चुपचाप। नहीं करते स्टॉप लॉस नहीं लेते, तो आप खुद ही देख सकते हो किस तरीके से प्रीमियम यहाँ से फॉल कर गया, वही निफ्टी का भी, बैंक निफ्टी का सिंगल कैंडल के अंदर। तो एक कम अगर आप ट्रेड करो तो ये नेसेसरी है कि आप अपना प्रॉपर स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट दो। दोस्तों अपना ट्रेड एक चल रहा है, इधर उधर काम चल रहा है, और यहाँ पर देखोगे तो निफ्टी अपनी ऐसी जगह पर जहाँ से अगर एक कैंडल फाट गई ऊपर, क्या लगता है सब ऐसे स्ट्रक्चर बना के बैठे हैं, बस एक कैंडल चाहिए निकल जाने पर। मेरा ट्रेड वहाँ चल रहा है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मेरा एक ट्रेड है जो मुझे लॉस मैंने जिसको बुक किया था 30,000, उसको मैं कॉस्ट कॉस्ट लेके आने की प्लानिंग पर हूँ। तो चल रहा हो कॉस्ट कॉस्ट, वैसे ये देखो ट्रेड अपना चल रहा है 30-34,000 रुपये दे रहा है, वैसे मुझे 4,000-5,000 रुपये का प्रॉफिट भी आ रहा है इसमें। तो कॉस्ट कॉस्ट आ चुका हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने को इसमें से निकल जाना भी ठीक है। वैसे मतलब चलो ठीक है, होल्ड करते हैं, बट आज फ्राइडे है तो मेरे को ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, बस एक स्पाइक की एक्सपेक्टेशन है, स्पाइक आएगा मैं निकल जाऊंगा। दोस्तों अभी मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ क्या हुआ ट्रेड में। जैसे ही मैंने एग्जिट किया, अभी भी जैसे ही एग्जिट किया, वैसे ही पूरा का पूरा प्रीमियम गिर गया, पूरा पैटर्न तोड़ के नीचे, वही सेम लेवल से पूरा नीचे, और अपन यहाँ पर एग्जिट करके बैठ गए। इसको प्रीमियम देख रहे हो, यहाँ का पुट का प्रीमियम निफ्टी का ये अराउंड 72 से सीधा
95 रुपये के आसपास, और वही वाला जो अपन जिस पर मैं ट्रेड लेके बैठा था वो वहाँ से सीधा 90 रुपये के आसपास आ गया। तो दोनों साइड मार रहा है, फिर निफ्टी में वही ट्रैप किया इसने और बैंक में भी इसी तरीके का ट्रैप बना हुआ है। तो इसीलिए कहते हैं कि टाइम से आपको ट्रेड को मॉनिटर करते रहना पड़ता है। अगर आप ट्रेड लेके बैठे हो तो स्टॉप लॉस टारगेट, अगर खासकर स्कैल्पिंग के लिए बैठे तो मॉनिटर तो करना पड़ेगा, क्योंकि स्कैल्पिंग आप छोटे छोटे टारगेट्स पकड़ते हो, लेकिन आप क्या है बहुत बुरा कभी फंस भी सकते हो, तो इसलिए आपको हमेशा मॉनिटर करके चलना पड़ता है। राइट गाइस, मैंने अपना कर दिया सिस्टम बंद, अब मेरे को लग रही है थकान, तो अब मैं सोऊंगा प्रॉपर। सो फाइनली गाइस, जब मैं सो के उठा तो मुझे देखा कि मार्केट हो चुका है क्लोज, और उसके बाद मतलब दिन में आजकल नींद आ जाती है, वैसे ऐसे गर्मियों के दिन आने लगे तो दिन में लोग सो जाते हैं, वैसे मेरे को सोने का कोई ऐसा होता नहीं, लेकिन कुछ काम नहीं होता तो इससे बढ़िया सो ही जाओ, वरना तो मार्केट में बैठे रहोगे नहीं। गर्मियों के दिनों में थोड़ा सही हो जाता है मतलब ट्रेडिंग का, आराम से ट्रेड वेट करो फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ में बढ़िया सो जाओ, तुम्हारे तब से मूव मिस हो ना हो, ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग गर्मियों के अंदर नहीं होती है, मतलब मेरे से नहीं होती है ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग, ज़बरदस्ती ट्रेडिंग तभी होगी जब मैं मॉर्निंग में मेरे को कोई सेटअप ना मिले, तभी मैं बैठा रहूँगा कि कोई ट्रेड मिल जाए, कुछ मिल जाए, अपॉर्चुनिटी मिल जाए, अदरवाइज मैं नहीं बैठता। तो अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट, मुझे हेयर कट करवाना है, सेटअप करवाना है, क्योंकि मेरे को कल सुबह से मैं निकल जाऊँगा, मेरे को दो दिन मैं आउट हूँ, दो दिन मैं बाहर जा रहा हूँ, सो चलते हैं। ओके गाइस, तो अभी मैं हेयर कट वगैरह करवा के आ चुका हूँ अपना, काफ़ी टाइम लग गया मेरे को कहीं जाना भी था कुछ काम के लिहाजे से। तो अभी मेरे यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, अभी अपन अपने ही सेटअप पर बैठ के रिकॉर्ड कर देता हूँ वीडियो, यहाँ पर ज़्यादा वॉइस का इशू नहीं आता है, जिस आज दिन में मेरा माइक की वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई, लेकिन मेरे कैमरे की वॉइस रिकॉर्ड हुई, तो फिर भी वॉइस में उतना डिफरेंस कुछ आया नहीं, वॉइस फिर भी क्लियर ही आ रही थी। आज जो लाइव ट्रेड मैंने अपना रिकॉर्ड किया था आज के दिन का, आई होप आपने देखा होगा। आगे में पहले मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपके साथ कुछ डिस्कशन करेंगे। सो गाइस, अपना वीडियो अभी रिकॉर्ड हो चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसमें मैंने मतलब 4-5 बातें जो मैंने अभी तक सीखी हुई हैं, मतलब जो अवेयरनेस है वो मैंने यहाँ पर शेयर किया है, जो आपको संडे को आई थिंक मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिएगा। आज जैसे मैंने एक रील डाली थी कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो आपको क्या करना है कि एक टेलीग्राम, पहले आप कुछ दिन ट्रेड करना है, उसके प्रॉफिट्स डालने हैं, उसके बाद उसका अपना एक टेलीग्राम ओपन कर लेना है, उस प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट आपको लगातार टेलीग्राम में डालने हैं, फिर वहाँ पर लोगों को क्यूरियोसिटी होगी कि यार ये कैसा बना रहा है, कैसे बना रहे हैं पैसा, फिर आप वहाँ पर आपको कहना है ये मेरे प्रीमियम मेम्बर्स ने बनाया हुआ है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फिर वहाँ पर अपने वहाँ पर अपना प्रीमियम चैनल का लिंक भेज देना है, उसमें जैसे ही उसको खरीदना होगा तो वहाँ पर परचेज करेगा, परचेज करने के लिए आपको 2-5-10 हज़ार रुपये आपको सब्सक्रिप्शन चार्ज करना है, और ऐसे करके आप स्टॉक मार्केट से बिना स्टॉक मार्केट में ट्रेड करें लोगों को प्रीमियम सब्सक्रिप्शन बेच के उनको फ्री बकवास कॉल टिप देके पैसा कमा लोगे। तो ऐसे रील डाली थी मैंने, तो रील काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया उसमें, अब कुछ लोगों को लग रहा है कि ये सही में बिजनेस है। उनको मैं बता दूँ, अगर आप ऐसा करते हो, मैं अवेयरनेस रील थी वो, लेकिन कुछ लोगों को समझ नहीं आता है क्योंकि बिगिनर्स काफ़ी नए हैं, तो उनको ऐसे लगता है कि अच्छा है ऐसी भी बिजनेस होता होगा। तो अगर आप ऐसा करते हो तो जिस दिन सेवी आपको पकड़ेगी तो आपको पूरा धर लेगी, है ना, सर से लेकर पैर तक सब सीज कर देगी, समझ रहे हो। तो मेन मोटिव ये था मेरा बताने का कि भाई सीखना बुराई नहीं है, जब मैं सिखा रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं, सीखो आओ मेरे पास, आपको जो जो चीज़ मेरे को आता होगा मैं आप ट्राई करूँगा आपको हर चीज़ बताने की, और उसका हम कुछ फीस चार्ज करेंगे, इट्स ओके, क्योंकि मेरा टाइम मैं दे रहा हूँ, आप ऐसा स्किल सीख रहे हो जिससे आप कल के दिन में पैसा बना सकते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से जाओगे जॉब लगेगी, आप इंस्टेंट किसी स्किल को सीख के कुछ शॉर्ट टाइम में अगर आपने अच्छा कर लिया तो आप पैसा बना सकते हो, उस स्किल के लिए आपको पे करना बनता है। लेकिन अगर आप ये बेवकूफ़ी कर रहे हो कि आप शॉर्टकट पैसा कमाने के लिए कि यार इसने कमाया है या मैंने कमाया है तो ये साला मुझे भी दे या मुझे भी कुछ ऐसा बता दे कि मैं भी कमाऊं, तो गलती किसकी है, मेरी है, मेरी तो नहीं होगी, आपकी है, जो आप ये चाहोगे कि यार जो आप ये सोच रखते हो, क्योंकि मेरा प्रॉफिट बनाया आप भी को क्या भाई मुझे भी बताया ना, मतलब ले भाई 10,000 रुपये था महीने बाद जो भी मैं लूंगा तुझे बता दूंगा, मैं भले ही लूँ ना लूँ मेरे तो 10,000 आ गए ना, मांग सामने वाले की डिमांड है, सामने वाले को चाहिए ही वो। तो आप जब तक अवेयर नहीं रहोगे जितने लोग ट्रेडर्स हैं तब तक ये इलीगल मतलब कैसे अनरजिस्टर्ड पॉलिटिव एडवाइजरी देने का सिस्टम चलता रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो टाइम है 12th पास आउट करके जो यंगस्टर हैं वो आएंगे, उनका कहीं ना कहीं दिमाग चलेगा, अब हम 18 प्लस हो जाएंगे वो कि हम अपने ट्रेडिंग में जाते हैं वो जाते हैं, और वो सबसे ज़्यादा इसमें फंसेंगे, है ना, सबसे ज़्यादा फंस जाएंगे, क्योंकि उनको वैसे लगा शॉर्टकट होता है, लेकिन जितना शॉर्टकट के पीछे आप भागते हो उतना ही जल्दी आप स्टॉक मार्केट में बर्बाद होते हो। और रही बात अगर आप ऐसे ग्रुप्स पर जुड़ के आप ये सोचते हो कि आप पैसा बना लोगे, बिल्कुल नहीं, एक दो दिन बनाओगे आप उसको अप्रिशिएट करोगे, जैसे मैंने आपको कोई कॉल टिप दे दी
मैंने कहा आज इसको बाय कर लेना, कल इसको बाय करना, कल परसों आप बनाओगे आप मेरे को भगवान मान लगोगे, हाँ ये बहुत बढ़िया बता रहा भैया, इसने मेरे पैसे बनवाए। लेकिन कुछ दिन बाद मैं कुछ दूंगा आपको समझ नहीं आएगा, लॉस होगा, आप पूरा डुबा दोगे। फिर आप क्या करोगे, इस साले की वजह से मेरा लॉस हुआ, या आप मेरे को ब्लेम करोगे, मेरे को गालियाँ करोगे। तो आप क्या कर रहे हो, जब आपको प्रॉफिट हो आपने मेरे को ही क्रेडिट दिया, जब आपको लॉस हो आपने मेरे को ही ब्लेम किया। आपने क्या सीखा, पैसा तो आपका गया ना, सीखा क्या आपने? मार्केट इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। आपने आप आ रहे हो आपने आपने सीखा एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद प्रिडिक्ट किया, पहले प्रिडिक्ट करने के बाद आपने उस प्रिडिक्शन अपनी एनालिसिस बेस्ड प्रिडिक्शन पे पैसा लगाया कि हाँ मेरा स्टॉप लॉस है, कि हमें एंट्री देगी, मेरा टारगेट रहेगा, और आपका टारगेट हिट हो गया। आपने सीखा कि हाँ आज इस वजह से मेरा टारगेट हिट हुआ, आपका स्टॉप लॉस चले गया। आपने सीखा कि आज इस वजह से स्टॉप लॉस चला गया, कल से मैं ये गलती नहीं करूँगा। तो आपने अपना पैसा लगा के अपनी एनालिसिस करके जब अप्लाई किया तो आपको गलतियाँ आपकी पता चल गई, और आपको प्रॉफिट कैसा हुआ वो भी पता चल गया। मीन्स आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो। लेकिन आप मेरी दी हुई किसी या किसी की भी दी हुई एडवाइस या कॉल टिप पर अगर आप ट्रेड करोगे तो आप अपनी गलतियाँ कभी पकड़ ही नहीं पाओगे, आप अपना खुद का एक्सपीरियंस कभी गेन ही नहीं कर पाओगे। और स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, 90% साइकोलॉजी एंड माइंडसेट का गेम है, एक्सपीरियंस का गेम। और एक साइकोलॉजी एंड माइंडसेट कैसे इंप्रूव होता है, एक्सपीरियंस से। जब आपको एक्सपीरियंस ही नहीं मिलेगा तो क्या फ़ायदा ऐसी कॉल टिप एडवाइजरी का, समझ जाओ। तो जितना दूर रहोगे ऐसे ग्रुप से उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं को ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ इन चीज़ों से, क्योंकि मेरे पास डिफेंस का पर्सन आता है, इतने लोग बाहर से मिलना आते हैं, कहाँ लॉस किया सर, वो एक ग्रुप में जुड़े थे, उनने ऐसे ऐसे दिया है। अरे यार किसने कहा जुड़ने को, अब मेरे पास क्यों आए, या अब क्या हो गया, तुम जुड़े, तुम्हारा डिसीजन, तुम्हारा लॉस, अब क्यों परेशान सर, अब रिकवर कैसे करूँ। पूछो कुछ, क्या सीखा, कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पता। तो जो जल्दी अमीर बनने की चाह है, या और कहीं से पैसा, और हमें जो सैलरी ले रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं उसके साथ साथ और कहीं से पैसा आ जाए, इस तरीके की अगर आपकी चाह है तो फिर आप क्या ही कर सकता है इंसान। तो जितना दूर रहोगे इन चीज़ों से, जितना रियलिस्टिक रहोगे मार्केट में, जितना प्रैक्टिकली काम करोगे उतना अच्छा आप ग्रो करोगे। आपने देखना जो थोड़ा सा रिच कैटेगरी में लोग आते हैं, रिचेस्ट लोग आते हैं, वो कभी भी इतने अनप्रेडिक्टेबल अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स पर काम नहीं करते। उनके पास अच्छा पैसा होता है, 1-2 करोड़, 5 करोड़ का कुछ उनका स्पेयर कैपिटल रहता है। वो ऐसे जहाँ पर उनको 2%, 3%, 5%, 8%, 7% साल का मिल रहा हुआ ना, वहाँ इन्वेस्ट करना बेटर समझेंगे, ना कि यहाँ की है जहाँ पर उनको ये एक का दो का दस ऐसी जैसी चीज़ें बताई जा रही है आप भी कमा लोगे, वहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वहाँ नहीं लगेंगे, क्योंकि उनको रियल रिटर्न्स पता है, समझ ना, उनको रियलिटी पता है कि एग्जैक्टली पैसा बनता गया क्या, एक कैपिटल के ग्रो होने की क्या क्या रेट होता है, मतलब किस तरीके से कैपिटल ग्रो होता है, किस तरीके से कोई भी पैसा, कोई भी एसेट आपका स्लो एंड स्टडी ग्रो होता है। ठीक है, बाकी आप लोगों की अपनी चॉइस है। मेरी तरफ से एक अवेयरनेस था कि यार आप इन सब चीज़ों से दूर रहो, जितना सीखने पर फोकस करोगे उतना बेटर रहेगा। बाकी तुम्हारा भाई है सिखाने के लिए, सीखा 1-2 दिन बाद मैं अभी कहीं जा रहा हूँ, वीकेंड आपको पता चल जाएगा, उसके बाद अपन एक लर्निंग सीरीज चला देंगे इस चैनल पर भी। मॉर्निंग दिन भर आप मेरा रूटीन देखते ही हो, है ना, और शाम को एक जो अपने पास नई नई चीज़ें आएंगी, मैंने जो सीखा है आज तक, जो मैं समझ में आया, मैं ट्राई करूँगा आपको सिखाने की, ताकि वो आपको आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। आप मेरे व्लॉग्स भी देखो, व्लॉग्स के साथ साथ आप मेरे से उसमें सीखते भी। बाकी भाई चैनल पर नहीं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।